बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म जवान का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शाहरुख खान के कई शानदार लुक्स, एक्शन, सॉलिड स्टार कास्ट और पर्दाफाश स्वैग का बौछार जवान के ट्रेलर में वो सब कुछ था जो एक पक्के इंडियन सिनेमा फैन को थिएटर लाने के लिए एक्साइटमेंट से भर देता है। आज फिल्म रिलीज हो गई। आज जवान में शाहरुख के किलर लुक्स, स्क्रीन पर आग लगा देने वाले एक्शन सीन्स और इमोशन तो हैं, लेकिन फिल्म की कहानी में कई ऐसी चीजें हैं जो एक दर्शक को ही नहीं, इस देश के एक नागरिक के तौर पर आपको अपील करेंगे। पहले 45 मिनट में ही जवान की स्क्रिप्ट में इतनी कहानी है जो कई बार मसाला फिल्मों में पूरे 3 घंटे खर्च करने के बाद भी नहीं मिलती है। तो जवान की कहानी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिल्म की कहानी एक ट्रेन हाईजैक से शुरू होती है। हाईजैक करने वाले ने ट्रेन के 376 यात्रियों के बदले कृषि मंत्री से बात करने की डिमांड रखी। वो कृषि मंत्री से एक अमाउंट मांगता है जिसे 5 मिनट के अंदर अरेंज कर पाना सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाईजैक हुई मेट्रो ट्रेन में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन काली, जो विजय सेतुपति की बेटी भी है। ट्रेन हाईजैक करने वाले की सलाह है कि जब सरकार बिजनेसमैन के कर्ज माफ कर सकती है तो ट्रेन में फंसी जनता की जान बचाने के लिए भी उनसे मदद ले सकती है। ये पूरा एपिसोड खत्म होता है तो फरोते में मिली रकम से 7 लाख किसानों के कर्ज माफ हो चुके होते हैं। ट्रेन हाईजैक करने में उस आदमी के साथ एक गर्ल गैंग भी है। उन सब की अपनी कहानियां हैं। कानून की नजरों में अपराधी बन चुका है शख्स, जनता की नजर में हीरो बन जाता है, एक मॉडर्न रॉबिनहुड जो बिजनेसमैन से पैसे लूट कर जनता की मदद कर रहा है। लेकिन क्या इस आदमी का ये एक्ट जितना दिख रहा है उतना ही है? क्या इसके पीछे कोई और असल मकसद है? ट्रेन हाईजैकिंग को रोकने का जिम्मा एक स्पेशल फोर्स को दिया जाता है जिसे ऑफिसर नर्मदा रॉय, जो नयनतारा हैं, ये लीड रोल कर रही हैं। नर्मदा एक सिंगल मदर है लेकिन वो अपनी बेटी के लिए शादी करना चाहती है। उनकी लाइफ में कई महिला जेल के बॉर्डन आजाद, जो शाहरुख खान की एंट्री होती है, लेकिन आजाद की कहानी में कुछ राज हैं। क्या ट्रेन हाईजैक करने वाले से आजाद का कुछ कनेक्शन है? ट्रेन हाईजैक करने वाले ने बिजनेसमैन की बेटी के कान में अपना नाम बताया था। आखिर इस नाम की कहानी क्या है और ये नाम सुनकर काली क्यों हिल गया था? ट्रेलर में दीपिका पादुकोण का स्पेशल अपीयरेंस भी है। उनकी क्या कहानी है? फिल्म इन सारे सवालों के जवाब पर्दे पर देती है। जवान का मैसेज क्या है वो भी आप जानें। फिल्म में कई सब प्लॉट हैं जो मिलकर पूरी कहानी बनाते हैं। इन छोटे छोटे हिस्सों में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको अखबार में मिलती हैं। कर्ज में डूबे किसान की आत्महत्या, लोगों की हेल्थ से खिलवाड़, जिंदगियों और पर्यावरण को जहरीला बनाती हैं इंडस्ट्रीज को बेधड़क काम करने की इजाजत। फिल्म की कहानी भ्रष्टाचार के उस लेवल को भी दिखाती है जहां खराब हथियार के लिए सेना के जवान दुश्मनों के सामने अपनी जान निरीह तरीके से गंवाते। नर्मदा के साथ साथ बाकी महिला किरदारों की कहानियां उन्हें मजबूर दिखाने के बजाय उन्हें बहुत मजबूत बनाती हैं। शाहरुख के किरदारों को एटली ने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में स्क्रीन पर बहुत ही ग्रैंड प्रेजेंस दी है। अनिरुद्ध रविचंद्र के जानदार म्यूजिक के साथ इन किरदारों को वो एलिवेशन मिलता है जो हीरो की रियलिटी से ही नहीं सिनेमा स्क्रीन से भी बड़ा बना देता है। शाहरुख के एक्शन सीन पूरी फिल्म में शुरू से अंत तक हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको मिलते रहेंगे। फिल्म की शुरुआत में 10 मिनट का एक सीक्वेंस है जिसमें कहानी का हीरो ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे वो एक सुपर हीरो है।
जबकि एक्शन करते हुए वो अपने फाइटर वाले स्किल्स जिस तरह से डिस्प्ले करता है वो उसे सुपर ह्यूमन बनाते हैं। हर फाइट सीन, हर एक्शन ब्लॉक एक पक्के एक्शन लवर के दर्शक के लिए ट्रीट है। जवान 2 घंटे 45 मिनट लंबी फिल्म है, लेकिन इस लंबे रन टाइम के बावजूद कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बेमतलब है। लेकिन कहानी में ढेर सारे मज़ेदार एलिमेंट को फिट करने में कहीं कहीं ऐसा लगता है कि फिल्म बहुत तेजी से आगे पीछे भाग रही है। इसलिए अब आजाद के बचपन की कहानी में एक सीन पर फिल्म रुकती है तो आप इमोशंस को महसूस कर पाते हैं। इस सीक्वेंस के अंत में दर्शक खुद भी इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन ये ठहराव सिर्फ एक सीक्वेंस में ज्यादा अच्छे से निकल के आता है। किसान की आत्महत्या वाले सीक्वेंस या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से जूझते बच्चे और उनके लिए लड़ते डॉक्टर्स के सीक्वेंस में थोड़े ठहराव की जरूरत थी, लेकिन शायद फिल्म को लंबा होता रन टाइम एडिटर ने अपने दिमाग में टिक टिक कर रहा था। जवान का क्लाइमेक्स थोड़ा बेहतर हो सकता था, अभी इसमें एक्शन और स्वग तो है, लेकिन किरदारों के बैकग्राउंड के हिसाब से जैसा इमोशनल मिलना चाहिए था वैसा नहीं लगता है। जवान उससे थोड़ा सा पीछे रह जाता है। एटली ने जवान के हीरो के लिए जो स्वैग इमेजिन किया था, शाहरुख उसे पूरे वजन के साथ स्क्रीन पर लेके आए। एक्शन करना हो या सिर्फ बातें, शाहरुख का काम स्वैग के भीतर फुल स्कोर मेंटेन के लिए रखता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, यहाँ हाईलाइट सिर्फ सुपरस्टार शाहरुख नहीं है, बल्कि एक्टर शाहरुख को भी अपनी चमक दिखाने का पूरा मौका मिलता है। स्पेशल ऑफिसर के रोल में नयनतारा से परफेक्ट शायद कोई और लग ही नहीं सकता था। इस किरदार में वो कितना मजबूत है, कहानी की डिमांड पर पल भर के लिए उतनी ही एक्शन नजर आती है। विजय सेतुपति एक बार फिर दिखाते हैं कि देश के सबसे बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं, उनका नाम एकदम झट से क्यों याद आ जाता है। सपोर्टिंग कास्ट भी जवान में सॉलिड है, लहर खान यहाँ बहुत इमोशनल सब प्लाट में दिखती हैं, अपने छोटे से हिस्से में उन्होंने सॉलिड काम किया है। सानिया मल्होत्रा, प्रिया मणि, रिद्धि डोगरा भी अपने किरदारों में पावरफुल हैं। सुनील ग्रोवर पर अलग से नजर आती है, हालांकि उनके किरदार को कहानी में थोड़ा सा और ज्यादा दिखाते तो मजेदार लगता। जवान पूरी तरह से पैक्ड स्क्रिप्ट है, इसमें जितना कुछ कहने की कोशिश की थी उससे असरदार तरीके से काफी हद तक कहने में एटली कामयाब हुए हैं, लेकिन इतने ढेर सारे एलिमेंट को पैक करने में फिल्म थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो गई। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि ये शाहरुख खान के बेस्ट सिनेमेटिक मोमेंट्स लेकर आई है। जवान अपने हीरो को जितना बड़ा हीरो दिखाती है उसे शाहरुख खान पर्दाफाश स्वैग शिखर पे ले जाता है। और ये मूवी जो है ना, शाहरुख खान के जो फैन हैं वो तो देखेंगे और आम दर्शक भी इसको देखेंगे। ये फिल्म में एक्शन अच्छा है, जो लोग एक्शन को पसंद करते हैं वो शाहरुख खान को पसंद नहीं भी करते हैं तो भी वो एक बार ये फिल्म देखेंगे। और आज के दिन सारे सिनेमा हॉल हाउसफुल हैं, कोई भी थिएटर में एक सीट नहीं मिल रही है। ये आज के मैं अभी 2 बजे फिल्म का रिव्यू कर रहा हूँ, और जितने सिनेमा हॉल हमारे ऑल ओवर इंडिया के जो कॉन्टेक्ट्स हमने देखे हैं कि कोई भी सिनेमा हॉल खाली नहीं, सारे सिनेमा हॉल फुल हैं, तो आज का अच्छा कलेक्शन भी होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और शाहरुख खान खुद अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मैं जवान को दूंगा 5 में से 4 स्टार। म्यूजिक अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, शाहरुख खान की एक्टिंग अच्छी है, नयनतारा की एक्टिंग अच्छी है, बाकी भी सब अच्छे हैं। हाँ, फिल्म थोड़ी सी लंबी है, लेकिन वो कहीं पे वो ऐसा नहीं लगता है एक दो जगह के अलावा कि फिल्म को लंबा खींचा गया है, ऐसा नहीं है। फिल्म देखनी चाहिए और फिल्म आप जाके देखें जब भी आप
आपको टाइम हो, जब भी आपको टिकट मिले, फिलहाल फ्राइडे सैटरडे संडे मुश्किल है टिकट मिलना, जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग किया है वही देख पाएंगे। अब मंडे देखो, ट्यूसडे देखो, फिल्म तो सिनेमा हॉल में लगी है, लेकिन एक बार जरूर देखो आप फिल्म, शाहरुख खान एक अलग हट के आपको लगेगी। तो ये था हमारा आज का रिव्यू जवान को लेकर के, हमने दिया है 10 में 5 में से 4 स्टार। धन्यवाद।